हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 1 से 1.5 साल तक की बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हमने ये 2 कपड़े लिए हैं। एक हमारा 12 इंच का है और रेड वाला प्लेन कपड़ा हमारा 16 इंच की लंबाई का है। ये पूरे अर्ज का हमारा कपड़ा है। इसको हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको डबल कर लिया है। एक बार और हम इसको डबल कर लेते हैं। ये इसकी उल्टी तह की है, हमने सीधी तरफ से अंदर की तरफ को रखा है। अब हमने इसको एक बार और डबल कर लिया है। ये हमारा 12 इंच की लंबाई का है और चौड़ाई में पूरे अर्ज का है। देखिए, इसकी 4 तह हो गई हैं। अब हम यहाँ से इस तरीके से 3 इंच पर इस पर निशान लगा लेते हैं और लंबाई में भी हमें इस पर 3 इंच पर निशान लगाना है। हमें इसको इस तरीके से चकोर कर लेना है। अब हम इसमें गोलाई कर लेते हैं। ये हमने 3 इंच का चौड़ाई में और 3 इंच का लंबाई में निशान लगाया है। हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। अब ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ से भी हम इसको काट कर अलग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रिल लगाने के लिए कपड़ा है। ये 16 इंच का कपड़ा है। इसमें से हमें 4 फ्रिल निकालनी है, 4-4 इंच की। ये हम 4 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इसी तरीके से निशान लगा लीजिए और इस पर सीधी लाइन खींच दिए ताकि फ्रिल काटने में परेशानी ना हो, फ्रिल हमारी बिल्कुल सीधी आए। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हम दूसरी फ्रिल भी इसी तरीके से काट लेते हैं अपनी, इसके ऊपर रखते हुए। ये हमने अपनी 2 फ्रिल काट ली है। ये जो 2 हमने फ्रिल काटी हैं, ये इस तरीके से हम घेरे में लगाएंगे। नीचे की साइड से कन्नी मोड़ लेंगे इसकी और इस तरीके से इसमें प्लेट्स भरकर ये हम फ्रॉक के घेरे में लगाएंगे। अब हम इसको डबल कर लेते हैं। ये भी हमारी 4 इंच की चौड़ाई की है, 8 इंच है। ये डबल करके हमारा इस तरीके से 4 इंच हो गया है। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं और इसको यहाँ से 22 इंच का लंबाई में काट लेते हैं। यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये भी हमने 22 इंच की लंबाई की और 4 इंच की चौड़ाई की 2 फ्रिल काटी हैं। ये हमारी फ्रॉक है, इसमें हमने इस तरीके से शेप दी थी। अब हम अपने फ्रिल को, ये ऊपर साइड में हमारे फ्रिल लगेंगे जो हमने 22 इंच की लंबाई के काटे हुए हैं और 4 इंच की चौड़ाई के काटे हुए हैं, वो फ्रिल हमें लेने हैं और डबल करके इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं और यहाँ से इस तरीके से करते हुए हम इसमें शेप कर देते हैं। इसी तरीके से सेम गोलाई की बराबर करते हुए ये देखिए निशान लगा लिया है हमने। अब हम इसको काट लेते हैं इसी शेप में। इनको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। अब ये हमारा बो बनाने के लिए कपड़ा काट रहे हैं। ये 4 इंच की चौड़ाई का है और 8 इंच की लंबाई का है। इस तरीके से इसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। ये हमारी फ्रॉक कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, ये जो हमने ऊपर की साइड के फ्रिल काटे थे, जिधर से हमारी कम गोलाई है, नीचे का हिस्सा हमारा कम है, तो हम उस साइड से इसकी किनारी मोड़ लेते हैं। आप चाहे तो इस पर पीकू भी करा सकती हैं। कॉटन के कपड़ों में इस तरीके से भी मोड़ी हुई किनारी अच्छी लगती है। हमें दोनों फ्रिल अपने इसी तरीके से किनारी मोड़ कर तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स, ये 1 साल से 1.5 साल तक की बेबी के लिए फ्रॉक है। इस तरीके से हमने अपनी फ्रिल मोड़ ली है। दोनों फ्रिल हमने इसी तरीके से मोड़ ली है। अब हम इसको यहाँ से, जो हमने कन्नी मोड़ी है फ्रिल की, वो हमें नीचे की साइड रखना है। इस साइड से हमें बिना मुड़ा हिस्सा रखना है और इधर नीचे की साइड से हमने जो किनारी मोड़ी है
वो वाला हिस्सा करना है। ये 1 इंच हमारा बच जाता है और यहाँ तक हमारी फ्रिल लग जाती है इसकी। यहाँ पर गोलाई में हम हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं और इसको कपड़े को प्रिंट वाले कपड़े के नीचे करते हुए सारा इस पर एक पैर की इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये हमारी सेट हो जाए और सिलाई लगाकर ये खूबसूरत भी लगती है। अब दूसरे पीस में हमें इसी तरीके से फ्रिल को लगा लेना है अपनी। सेम इसी तरीके से हमें इस पीस में भी अपनी ये पट्टी लगा लेनी है। इसमें भी हम कट लगा लेते हैं, हल्के हल्के से कट लगाने हैं हमें। और सब कपड़ा हम इसके नीचे करते हुए ये अंदर की तरफ का इसके ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक तरफ फ्रिल लगा ली है, अब हम दूसरी तरफ की भी अपनी फ्रिल इसी तरीके से करते हुए लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ से अपनी फ्रिल लगा ली है और इस साइड से भी अपनी फ्रिल लगा ली है। दोनों तरफ हमारी इसी तरीके से फ्रिल आ गई है। अब हम यहाँ से बीच से इसको मोड़ना शुरू करते हैं। ये हमने 18 इंच की इलास्टिक ली है, इसको हमें इसमें डालना है। आप जितनी इलास्टिक ले रहे हैं इसमें बारीक ही इलास्टिक डालते हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं डालते हैं। आप उसके हिसाब से इस नेफे को मोड़ लीजिए। उससे थोड़ा सा हमें फालतू रखना है ताकि हमारी इलास्टिक अच्छी तरीके से अंदर की तरफ को चली जाए। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से मोड़ लेना है इलास्टिक के बराबर। ये हम फ्रिल पे से मोड़ रहे हैं, बाद में बीच का हिस्सा फ्रॉक का मोड़ना है हमें। अब ये देखिए, ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है। ये हम यहाँ से आ गए हैं फ्रॉक पर अपनी, ये खुला हुआ हिस्सा है। हमने 1 इंच इलास्टिक डालने के लिए खोल कर रखा है ये। अब हम इसमें इनमें अपनी इलास्टिक को लगा लेते हैं और इसको इसमें पिरो देते हैं। ये बड़े आराम से पिर जाती है। इस तरीके से हमें चारों तरफ अपने ये इलास्टिक पिरो देनी है। इसमें इलास्टिक से बहुत प्यारी सी प्लेट्स पड़ जाती हैं चारों तरफ और ऊपर से इसका लुक इस तरीके से आता है। इतना गला रहता है इसका, जैसे हम स्टेप वाली फ्रॉक बनाते हैं इस टाइप का इसका गला रहता है। ये बेबी के कंधे पे से उतरता नहीं है, इलास्टिक की वजह से सेट रहता है। इसी तरीके से हमें अपने चारों तरफ इस इलास्टिक को पिरो लेना है इस नेफे में। ये हमने इलास्टिक पिरो ली है, दूसरी तरफ से भी हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से करते हुए पक्का कर लेते हैं। हमें इस पे इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए 2-3 सिलाई लगा देनी है। ये हम खींचकर इसको सेट कर देते हैं। ये इलास्टिक यहाँ से हमारी सब अंदर चली जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी इलास्टिक बैठ गई है। ये हमने ये सेट कर लिया है। अब ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इसको हम इस तरीके से अंदर की साइड को मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये यहाँ पर हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी सिलाई लग गई है और देखिए कितनी प्यारी सी इसकी इस तरीके से शेप बैठ गई है और इसमें प्लेट्स आ गई हैं इलास्टिक की वजह से। अब हमने इसको साइडों में से इस तरीके से मिला लेना है दोनों और इस पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से पक्का कर लीजिए, 2-3 बार सिलाई लगा लेते हैं पक्का करने की वजह से। हम एक ही जगह पर जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ से सिलाई निकालते हैं वहाँ पर भी हम पक्का कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें दूसरी साइड का ये हिस्सा मिला लेना है और इसको मिलाकर इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पर पक्का करते हुए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ से ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब ये हमारा फ्रिल है जो हमने दो लंबे वाले फ्रिल काटे थे 4 इंच के, ये इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिए हैं। और इस तरीके से हम इसकी बारीक किनारी मोड़ लेते हैं, जैसे हमने ऊपर के फ्रिल की मोड़ी थी अंदर की तरफ को कपड़ा करते हुए। हमने इसको फ्रिल को दोनों तरफ से जोड़कर गोल कर लिया है। हमें इस पे किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। अच्छी तरीके से इसको सेट करते हुए हमारी सिलाई कहीं से भी अंदर की साइड से निकलनी नहीं चाहिए। ये हमने पूरे घेरे पर अपने सिलाई लगा ली है इस तरीके से, देखिए चारों तरफ से। अब हम यहाँ से इसमें प्लेट्स डालते हैं। आपको जिस तरह की प्लेट्स आती हो आप इस तरह की भी प्लेट्स डाल सकती हैं और दूसरी तरह की भी प्लेट्स डालती सकती हैं। इस तरह की प्लेट्स डालने की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उसमें से देख सकती हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। इस तरीके से हम प्लेट्स डालकर इसमें चारों तरफ से अपनी फ्रॉक के घेरे से माप लेते हैं। ये उसके बराबर हमें प्लेट्स डालकर कर लेनी है। हमें अपनी ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारी प्लेट्स डल गई हैं। ये हमने पूरे घेरे में अपने प्लेट्स डाल ली है। अब हम फ्रॉक को चारों तरफ से इसी तरीके से देखिए कितने अच्छी तरीके से डल गई हैं। अब ये जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है इसको हम फ्रॉक की सिलाई वाले हिस्से पर रखते हैं। फ्रॉक की सिलाई वाले हिस्से पर रखते हैं। हमने इसको माप लिया है चारों तरफ से, ये बराबर है। अगर आपकी थोड़ी बहुत प्लेट्स ज़्यादा हो तो आप थोड़ी सी प्लेट्स और डाल सकती हैं इसमें, और अगर कम हो तो थोड़ी हल्की हल्की सी प्लेट्स डाल लीजिए। इस तरीके से हम चारों तरफ से अपने घेरे पर फ्रिल को लगा देते हैं। फ्रिल को अच्छी तरीके से हाथ से सेट करते रहिए। और ये देखिए ये हमारी सिलाई पर आ गई है बिल्कुल। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से लगा लेते हैं। ये हमारा बो का कपड़ा है। इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ से साइड में इसको डबल करते हुए 1 इंच की सिलाई लगा लेते हैं। अब ये इधर इस साइड से भी हमें इसी तरीके से 1 इंच की सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको पलट लेते हैं और इस तरीके से इसकी सिलाई बीच में कर लेते हैं और इसकी साइडों में सिलाई लगा देते हैं। दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई को लगा देना है। अब हम इसको किसी भी चीज़ से की मदद से इस तरीके से पलट लेते हैं, अंदर का कपड़ा बाहर कर लेते हैं। ये सिलाई हमारी इस तरीके से अंदर चली जाती है। यहाँ से हम किसी भी नोकदार चीज़ से इसके कोने निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम कैंची से निकाल रहे हैं। कैंची से निकालते हुए ध्यान रखें कि ये ज़्यादा तेज़ी के साथ कैंची इसमें नहीं दें, नहीं तो ये कपड़ा कट जाता है नोक से। इस तरीके से हम इसकी चारों नोक निकाल लेते हैं और इसमें बीच में से इस तरीके से प्लेट्स डाल लेते हैं। अब हम दोबारा इस पर और प्लेट्स को करते हुए जब हम दो सिलाई इस पर लगाते हैं तो ये हमारी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। प्लेट्स बीच में से बारीक हो जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी बो बन गई है। ये हमने नीचे की साइड फ्रिल लगा लिया है। अब हम बो को यहाँ पर लगा देते हैं बीच में। ये देखिए ये हमने बो लगा ली है इस पर बीच में, और ये हमारे चारों तरफ लास्टिक लगा ली है इस तरीके से। ये हमारे कंधे बैठ गए हैं इस तरीके से। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिटिंग की है, फ्रॉक तैयार हो गई है। इस साइड से भी हमारे कंधे कितने अच्छी तरीके से बैठ गए हैं। फ्रेंड्स ये छोटे से कपड़े में आप घर पर बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बना सकते हैं।
ये 1 से 1.5 साल तक की बेबी के लिए है। इसकी लंबाई इस तरीके से तैयार 18 इंच बैठ गई है। इस तरीके से ये हमारी प्यारी सी फ्रॉक बड़े सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो गई है और खूबसूरत भी लग रही है। ये देखिए कितनी प्यारी सी और कितनी जल्दी ये हमारी फ्रॉक बन गई है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।